हेलो एवरीवन गाइस, आज बात करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में। फ्राइडे को तो आपने देखा ही था क्या हुआ। एक रिपोर्ट आती है बाय सम हाइडलबर्ग रिसर्च, आज से पहले कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा। यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म है और स्टॉक मार्केट के गतिविधियों पे ऑन कंपनीज एंड स्टॉक्स अपना ये रिपोर्ट देती है। बाय द वे बाद में पता चला वो कंपनी के ऊपर खुद वहाँ बहुत सारे एलिगेशंस हैं यूएस में और लॉ सूट्स हैं, वो खुद केसेस में फंसी हुई है, वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। ऑन दिस चैनल हमने हमेशा शुरू से, अगर आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे तो हमने कहा है, पर्टिकुलर ग्रुप का नाम लिए बिना मैंने कहा है, अभी तो ये बात आउट है कि मैंने कहा था कि डेट जिस कंपनी पे ज़्यादा हो, जिस ग्रुप पे कर्ज़ा यानी डेट ज़्यादा है, लेवरेज ज़्यादा लिया हुआ है, उससे वैसे भी हम लोग ना निवेश करते हैं ना उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज़ आई थिंक डेट इज़ अ स्लो पॉइजन। डेट जिसके ऊपर होता है वो धीरे 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 आपके ग्रुप को नेगेटिविटी देगा ही देगा। एनीवे फ्राइडे को हुआ क्या, हाइडलबर्ग जो भी रिसर्च एजेंसी का उनका रिपोर्ट आता है उसमें दे क्लेम दैट अडानी ग्रुप ने वगैरह वगैरह कुछ मैनिपुलेशंस, कुछ बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं। लेकिन आप देखिए, स्टॉक्स तो गिरे, मार्केट का सेंटिमेंट भी गिरा। नेशनल इंटरेस्ट में हमारे ये है कि अभी बजट आने वाला है और मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल है। किसी ने बहुत सोच समझ के प्लान तरीके से ये रिपोर्ट 25 जनवरी यानी जो आज 26 को थर्सडे बंद था मार्केट, तो वेनसडे को रिलीज़ करवाई है यूएस में। रिपोर्ट तैयार हो गई होगी एक दो महीने पहले। अडानी ग्रुप का FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग आने वाला है, जो सब्सक्राइब तो हो गया फुल्ली, 20,000 करोड़ का FPO है। अब वो उसमें बड़े बड़े निवेशकों ने पैसे लगाए, बोली लगाई, और हम तो रेकमेंड कभी करेंगे नहीं, बिकॉज वो डायरेक्ट लेवरेज प्ले है, उससे दूर ही रहना चाहिए। खैर, दैट FPO को शायद साबोटाज या उसको नीचे गिराने के लिए ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई। लेकिन गाइज, उसमें हुआ क्या, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, रिटेल इन्वेस्टर का। अब आप पूछोगे कैसे, अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स ज़्यादातर कोई वैल्यूएशन या फंडामेंटल्स पे उठाता नहीं है, वो टिप्स पे ही ज़्यादा बिके हैं पिछले 3 साल से। उन्होंने रिटर्न्स भी बहुत दिए कंपनीज़ ने, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी विल्मर का जब लिस्टिंग हुआ था तो बहुत लोगों ने मुझे कहा था ये बहुत अच्छा शेयर है, इसमें तो ये होगा, तोड़फोड़ होगी, ये होगा। बट गाइज, जो ग्रुप है, जो मूलभूत हमारा इन्वेस्टिंग में, वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि पी रेशियो कितना है, प्राइस टू बुक कितना है। अडानी विल्मर अच्छे सेक्शन में है, फॉरेन मल्टीनेशनल के साथ टाइप है, विल्मर ग्रुप अच्छे बिजनेस में है, FMCG में प्रॉफिटेबल है। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ जब अडानी के बाकी स्टॉक्स गिरे, एक अच्छी कंपनी भी जो हो सकती थी वो भी उसके साथ गिरी ना वेनसडे को। नुकसान किसका होता है, रिटेल इन्वेस्टर का। आपकी तो कोई गलती नहीं, बाहर से कोई फला फला रिसर्च एजेंसी ने सुबह सुबह 9 बजे मार्केट खुलने के पहले रिपोर्ट दे दी, सारे स्टॉक नीचे गिर गए। पॉइंट टू बी नोटेड, अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर गिरने के बाद रिकवर होता है, वो सिर्फ -1.5% गिरा। सबसे ज़्यादा पिटाई ठुकाई हुई अंबुजा सीमेंट, जिसमें अडानी ग्रुप ने अपना स्टेक का इंटरेस्ट दिखाया है, और अडानी ग्रीन और अडानी विल्मर की पिटाई हुई है, जिसमें बेचारे रिटेल निवेशक फंसे हुए थे, जिनके किसी, जो कभी हम नहीं कहते, कभी किसी की टिप पे आपको लेना नहीं है। डोंट बाय, अगर कोई भी आके आपको बोले ये शेयर चढ़ने वाला है ले लो, यू डू योर ओन एनालिसिस, है ना। भाई साहब के वीडियो में भी मैंने यही बताया था, जिन्होंने रिलैक्सो फुटवेयर से एग्जिट किया और आप लोग ने बहुत सपोर्ट दिया उस वीडियो को। वैसे ही विल्मर हो या कोई भी हो, इफ़ द ग्रुप इज़ लेवरेज्ड, हाई इन डेट, तो वो कोई भी खबर आएगी सबसे पहले वो साइकिल स्टैंड देखा, एक साइकिल गिरती है तो सब साइकिल एक एक करके गिरते हैं। इट्स लाइक अ फॉलिंग साइकिल स्टैंड, मतलब वो वैसा, सारे अडानी स्टॉक साथ में चलते हैं, साथ में गिरते हैं। लेकिन एंटरप्राइजेस गिरा नहीं है। एंटरप्राइजेस क्यों नहीं गिरा, आई एम श्योर प्रमोटर्स जिन, तो ये लोग का जो गेम है कि ये बैंक्स को अपने शेयर गिरवी रखते हैं, विच इज़ कॉल्ड प्लेजिंग, और वो बैंक्स ने वो शेयर टाइटली पकड़ के रखे होंगे, इसीलिए वो फ्लैगशिप जो मेन कंपनी है अडानी की वो गिरी नहीं। और गिरे कौन से शेयर, जिसमें सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा था, तो रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में बेचते हैं। एक एक दिन में 5% 7% शेयरों का गिरना, इट्स नॉट गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर ना। अल्टीमेटली ये बड़े बड़े लोग तो अपना हिस्सा बेच के निकल जाएंगे, पीछे किसके रह जाएगा वो शेयर, आपके हाथ में रहने वाला है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है
ऑलवेज़ डोंट बाय ऑन टिप्स, डोंट सेल ऑन टिप्स. अगर आप बाय करते हो, फंडामेंटली अच्छी मार्केट लीडिंग कंपनीज़ में पैसे लगाइए, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए और फिर अपना निवेश कीजिए. और कोशिश करके मिनिमम 5 ईयर्स तक निवेशित रहिए. अगर आप कम से कम 5 साल तक रखते हो तो आपको मार्केट में इजीली 2 या 2.5 गुना रिटर्न मिल सकता है अच्छी गुड कंपनीज़ में. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.